मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज हम एसएससी स्टेनोग्राफर जीके का वीडियो नंबर 41, जिसके अंदर हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर अभी तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन में क्लिक करना भी ना भूलें। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले, इस वीडियो के बाद में हमारा एक और वीडियो आने वाला है 7 बजे 500 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का, इसलिए उस वीडियो को देखना भी ना भूलें, क्योंकि वो भी आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो जावा खाई। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जावा खाई। इराक का कौन सा शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बगदाद से। इराक का बगदाद से टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। फिल्म, किस फिल्म ने भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है? तो डोनबास फिल्म ने। डोनबास फिल्म ने भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई? तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई। अर्जेंटीना में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो पंपास। अर्जेंटीना में स्थित घास के मैदान को पंपास कहते हैं। वर्ल्ड एड्स डे 2018 की थीम क्या थी? तो नाउ योर स्टेटस। वर्ल्ड एड्स डे 2018 की थीम नाउ योर स्टेटस थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित की जाती है? तो ओजोन के द्वारा। समता मंडल में पराबैंगनी विकिरण ओजोन के द्वारा अवशोषित की जाती है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ पर स्थित है? तो मरीना बीच पर। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच पर स्थित है। विश्व चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन बनी है? तो मेरी कॉम। विश्व चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज मेरी कॉम बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने एंटीबायोटिक की खोज की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी। आमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? तो पेप्सिन एंजाइम। आमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं और इस वीडियो को देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूस्टो की नालिका मानव शरीर के किस भाग में होती है? तो कान में। यूस्टो की नालिका मानव शरीर के कान भाग में होती है। निम्न में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? तो चुकंदर की। चुकंदर की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है। कौन सा देश पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो इजराइल देश। इजराइल देश पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश को राजनीति शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो प्लासी युद्ध के बाद। प्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिश को राजनीति शक्ति प्राप्त हुई। किस उपकरण द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर की माप की जाती है? तो ग्नोम पोटोमीटर के द्वारा। ग्नोम पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन दर की माप की जाती है। 2018 सैयद मोदी ग्रां प्री गोल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो समीर वर्मा ने। समीर वर्मा ने 2018 सैयद मोदी ग्रां प्री गोल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद
राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार देता है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्नोबॉल भाषा का प्रयोग किया गया? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में स्नोबॉल भाषा का प्रयोग किया गया। किस संगठन ने वर्ष 2018 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता है? तो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने 2018 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर का विलय होता है? तो दक्षिण महासागर में प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर का विलय होता है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्यूमिनियम पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा धातु है। 2018 में बाल दिवस की थीम क्या थी? तो चिल्ड्रन आर टॉकिंग ओवर एंड टर्निंग द वर्ल्ड ब्लू। 2018 में बाल दिवस की थीम चिल्ड्रन आर टॉकिंग ओवर एंड टर्निंग द वर्ल्ड ब्लू थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस उद्योग में गंधक का सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो रसायन उद्योग में गंधक का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? तो नीदरलैंड देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है। दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? तो केरोटीन के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटावर पठार किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में। पोटावर पठार पाकिस्तान देश में स्थित है। अभी तक कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रही? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना अभी तक पूरी तरह असफल रही है। 2018 में मेक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी? तो एंड्रेस मैनुअल लोपेज अब्राडोर ने मेक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। तो ये था हमारा आज का एसएससी स्टेनोग्राफर जीके का वीडियो नंबर 41। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, इसके बाद में आने वाले 7 बजे 500 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का वीडियो देखना भी ना भूलें, क्योंकि वो भी आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। हम फिर मिलते हैं हमारे अगले एसएससी स्टेनोग्राफर जीके के वीडियो नंबर 42 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।